उत्तराखंड के मसूरी में फिल्म कॉन्क्लेव 2019 का आयोजन बेहद ही शानदार तरीके से किया गया। कॉन्क्लेव का उद्घाटन सूबे के मुखिया त्रिवेंद्र सिंह रावत ने दीप प्रज्वलित करके किया। मौके पर फिल्म जगत की कई जानी मानी हस्तियां मौजूद थी। 19 साल पहले जब लोगों ने, उत्तराखंड के वासियों ने एक सपना देखा था नए राज्य को बनाने का, कितना संघर्ष हुआ, कितने बलिदान हुए और कितने वाद विवाद हुए, उसके बाद इस देवभूमि को एक अलग राज्य के रूप में पहचान मिली। यदि आप किसी भी धर्म से हैं, विश्व के किसी भी कोने में रहते हैं, तो भी उत्तराखंड आना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। यदि अपने आप को पाना है तो उत्तराखंड तो आना है। कार्यक्रम में संबोधन करते हुए मुख्यमंत्री रावत ने कहा कि हमें अपनी संस्कृति और परंपरा को जिंदा रखना होगा और इसमें कलाकारों का बड़ा योगदान है। मुख्यमंत्री रावत ने फिल्मकारों को उत्तराखंड में शूटिंग करने के लिए आमंत्रित किया और हर सुविधा देने का वादा किया। वो शूटिंग का चार्ज हमने कहा हम नहीं लेंगे, इतना बड़ा क्रू यहाँ पर आता है, इनकम होती है उससे, तो हमको ये 10,000 रुपये से सरकार कोई घाटे में जाने वाली नहीं है, इसलिए हमने ये 10,000 रुपया जो पर डे जो शूटिंग चार्ज था उसको हमने समाप्त कर दिया। सिंगल विंडो सिस्टम है, हमारी कोशिश होती है कि जल्दी से जल्दी और क्लियरेंस आपको दिया जाए, और मैं समझता हूँ कि 3-4 दिन का एवरेज होगा यहाँ पर जो क्लियरेंस यहाँ पर मिल रहा है। यहाँ पर शूटिंग के समय आपको व्यवधान नहीं मिलेगा, सपोर्ट मिलेगी। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने भी शिरकत की। उन्होंने अपने संबोधन में अच्छे और बहुभाषीय कंटेंट की जरूरत पर जोर दिया, साथ में कहा कि फिल्म निर्माण में उच्च तकनीक का इस्तेमाल हो। ईरानी ने कहा कि उत्तराखंड की कला और संस्कृति को सहेजा जाए। सभागार में भरत बाला हैं, साथ ही रत्ना सिन्हा हैं, मुजफ्फर अली साहब हैं, तिग्मांशु जी हैं, उमेश हैं, तो साथ ही साथ हमें ये भी देखना है कि एकेडेमिया को हम कैसे संग लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टेक्नोलॉजिस के साथ फिल्म मेकिंग और स्किल्स को हम लोग बढ़ावा दे पाएं। आयोजन में फिल्मकारों और कलाकारों के साथ फिल्म निर्माण पर चर्चा हुई, जिसमें उत्तराखंड में फिल्म निर्माण में आने वाली दिक्कतों पर चर्चा हुई। अपने ही राज्य में जब आप फिल्म बनाते हैं, किस तरह की समस्या आपको हुई? तो मैं बताता हूँ, एक तो ये बहुत ही एक्सपेंसिव सेक्टर है, फ्लाइट वाइज बहुत बहुत महंगा है, और एक्टर्स को आप तो जानते हैं, मतलब जैसे नखरे होते हैं उनके, कल जाना है, 2 दिन का गैप है, 2 दिन रुक नहीं सकते। मैंने कहा रुक जाओ भाई, कि नहीं उसकी शूटिंग है, और उनको सबको बिजनेस क्लास चाहिए, साथ में बॉय भी जाएगा, हेयर भी जाएगा, स्पॉट बॉय भी जाएगा उनका, और बिजनेस क्लास चाहिए। मैंने 30-35 हज़ार रुपये एक टिकट में खर्चा किया है बॉम्बे टू दिल्ली, और बहुत महंगा सेक्टर है। यहाँ पे होटल भी सबको, क्योंकि यहाँ पे एक स्पिरिचुअल टूरिज्म बहुत होता है, सब लोग चार धाम जाते हैं, गंगोत्री यमुनोत्री जाते हैं, फिर स्पोर्ट्स वाले जाते हैं, तो होटलों के दाम बहुत ज्यादा महंगे हैं। वहीं गुरुवार की शाम कार्यक्रम में शोमा घोष ने प्रस्तुति दी। वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। दरअसल उत्तराखंड की त्रिवेंद्र रावत सरकार देवभूमि उत्तराखंड को फिल्म निर्माण के महत्वपूर्ण केंद्र के तौर पर स्थापित करना चाहती है। सरकार का इसके पीछे मकसद है कि उत्तराखंड न सिर्फ पर्यटन के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित करे, बल्कि फिल्म निर्माण के क्षेत्र में बेहतर माहौल बना सके। इस फिल्म कॉन्क्लेव का मकसद राज्य में फिल्मों की शूटिंग को बढ़ावा देना है। APN फिल्म कॉन्क्लेव 2019 का मीडिया पार्टनर है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN।